हे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि छठ का सूप कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप छठ का जो सूप होता है उसे अच्छी तरह से धो लें, और उसके बाद उस पर 5 टीके करें सिंदूर के। उसके बाद 5 पान के पत्ते लगा दें। पान के पत्तों के ऊपर खमोनी का साँचा, 5 खमोनी के साँचे चढ़ा दें और उसमें भी सिंदूर का टीका कर दें। उसके ऊपर 5 बतासे के साँचे रख दें और उस पर भी सिंदूर का टीका कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी ये सूप तैयार कर रहा है वो स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन के ही ये सूप तैयार कर सकता है। सूप पे फूल छींटना है। उसके बाद यहाँ पे लड़ुआ, 5 लड़ुए को सिंदूर से टीके किया हुआ आप देख सकते हैं चढ़ाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक मुरै और ककड़ी ये सब अच्छी तरह से सरिया दिया है ताकि ये गिरे नहीं, और थोड़ी अच्छी तरह से सजाएं। और 2 जोड़ा में सब कुछ होता है, जोड़ा में हमारे यहाँ जोड़ा में सजाया जाता है जो भी है। तो यहाँ पे मैंने 2 कितारी और 2 संतरे, 2 शकरकंद, जैसा कि आप सब देख सकते हैं सारी चीज़ों पे सिंदूर का टीका लगाया हुआ है। और यहाँ पे आलता और इलायची, 5 केले, आलते के जैसे आप देख सकते हैं आलते को सूप में साट दिया है हम लोगों ने। और उसके बाद एक खीरा है, और अगर आपके पास 2 खीरे हैं तो 2 भी लगा सकते हैं। 2 अनार हैं, और नारियल पे भी जैसा आप देख सकते हैं 5 टीके किए हुए हैं। और ये सारे फल अच्छी तरह से साफ़ किए हुए हैं। छठ मैया के व्रत में साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है। और जब आप दौरा में ये दोनों सूप रखने जाएं उससे पहले उसमें आप जैसा कि यहाँ बगल में देख सकते हैं कि आम के पत्ते रखे हुए हैं तो वो ज़रूर रखें। ये दूसरा सूप सजाया जा रहा है। हमारे यहाँ 2 सूप से अर्घ पड़ता है, और मैं पहले वाले सूप में बताना भूल गई थी, उस पर भी माँ लिखा हुआ था, उस पर दिखा नहीं उतना। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं 5 टीका किया गया है और माँ, और वहाँ पे फूल छिड़े के गए हैं। और ये चावल का आटा है जिसे चौरठा बोलते हैं, वो भी थोड़े से छिटा गया है। 5 पान के पत्ते यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुंडी लगा हुआ है इसका, ये पूरा खोटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा खोट के आप रख दें, पूरा दम खोटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ। और उसके बाद फूल छिटके, और खमौनी का 5 साँचा रहना चाहिए, उस पर भी आप टीका कर दें। सिंदूर का टीका 5 रहना चाहिए, और फिर साँचे, मिश्री के साँचे, बतासे, कहीं कहीं जगह इसे बतासे बोलते हैं। और ये 5 हो गए। सारी चीज़ों पर आप टीका करें, फिर 5 खमौनी, 5 लड़ुआ, उसके बाद 1 ककड़ी और 1 मुरै चढ़ा दिया है हम लोगों ने। और 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 सब कुछ जोड़ा जोड़ा में है, 2 अमरूद, 2 अनार, 2 सेब, 2 संतरे, 5 केले, 1 नारियल। और ये सारे सुबह सुबह के अर्घ में दूसरा आएगा, ऐसा नहीं है कि यही फल होगा। अगर यही है आपके पास, ज़्यादा नहीं है, तो इसे धो के चढ़ाएं सुबह, सारी चीज़ें धो के फिर से ऐसे ही करना है। छठी मैया की पूजा के लिए दौरा तैयार है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।